Hey dear students, welcome back to part 2 of a chapter 1 that is human rights and violations and redressal. लास्ट चैप्टर में बच्चों हमने देखा था किस तरीके से वल्नरेबल ग्रुप्स जो है उनके राइट्स को जो है वायलेट किया जाता है, और जैसे मैंने आपको कहा था पार्ट टू में हम पढ़ने वाले हैं हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में, जो एज सिटीजन्स हमको पता होना बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे संवैधानिक अधिकार जो है वो क्या होते हैं, क्योंकि ये जो अधिकार हमको मिले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हमको मिले हैं वो हमारे संविधान ने हमको दिए हैं। बिना वक्त ज़ाया किए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इज़ अ राइट और फ्रीडम, यानी कि एक राइट है, एक अधिकार, एक आज़ादी है जो गारंटी दिया है हमको, हर एक सिटीजन्स को मिली है किससे, कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से यानी संविधान से। ओके नाउ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कैन बी अ प्रेरोगेटिव और अ ड्यूटी। एक ड्यूटी है हमारी, एक पावर दिया गया है हमको और अ रिस्ट्रेंट ऑफ पावर रिकॉग्नाइज्ड एंड एस्टैब्लिश्ड बाय अ सोवरेन स्टेट और यूनियन ऑफ स्टेट्स। एक कंट्री ने हमको अधिकार दिया है, उसी के साथ साथ जितने हमारे स्टेट्स की यूनियन हैं हर किसी को मिलकर, ये सबको मिलाकर जो है हमको हमारे संविधान से अधिकार मिला है। नाउ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर एक्सप्रेसली स्टिप्यूलेटेड एंड रिटन इन अ कंसोलिडेटेड नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी जितने भी हमारे अधिकार हैं सबको एक साथ कंसोलिडेट किया है, मिलाया गया है, मिलाकर एक साथ उसको प्रेजेंट किया गया है नेशनली हर किसी के सामने। तो ऐसा नहीं है कि गुजरात के लोगों का राइट अलग है, महाराष्ट्र के लोगों का राइट अलग होगा। संवैधानिक राइट जो है हमारे सबके कॉमन ही है। हमारी बुक बनी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, बस उसी के सारे लॉ, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, सारे आर्टिकल्स जो है वो मैंशन कर दिए गए हैं। बेसिकली उसी को रेफ़र किया जा सकता है जब भी हमको अपने हक, अपने अधिकार के बारे में जानना होगा तब। नाउ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इज़ अ सुप्रीम राइट गारंटीड बाई दी कॉन्स्टिट्यूशन, वो राइट है जो कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है। नाउ इट मीन्स दैट इफ एनी लॉ कॉन्ट्राडिक्ट्स विद कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इट विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। यानी कि इसको बोला जा रहा है अगर कोई भी ऐसा कानून है जो कि अपोजिट जाता है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से, आपके अधिकार के अपोजिट बनाया गया होगा ऐसा कोई भी कानून होगा, तो वो कानून जो है, वो लॉ जो है कम्प्लीटली नल एंड वॉइड होगा, यानी कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं माना जाएगा उस लॉ को जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अगेंस्ट बनाया गया होगा। तो नाउ दीज राइट्स आर नॉट बेसिक एंड डू नॉट अप्लाई टू एवरीवन अनलाइक फंडामेंटल राइट्स। अब ये राइट्स जो है वो राइट है जो कि बेसिक तो नहीं होते और हर किसी के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होते, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हर एक के लिए है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक एंड एप्लीकेबल टू एवरीवन, सच एज राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, एजुकेशन। ओके, फंडामेंटल राइट्स हर किसी के लिए होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हर किसी को नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट टू वोट और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज इज गारंटीड इन अ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 326। हाउएवर सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ टू अटेन मेजॉरिटी द एज ऑफ 18 ईयर्स बिफोर ही और शी इज एलिजिबल टू वोट। जैसे कि राइट टू वोट की अगर हम बात करें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का हिस्सा है, तो ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज अनलेस एंड अनटिल, हमारे आर्टिकल के हिसाब से कहा जा रहा है, आर्टिकल 326 बोलता है अनलेस एंड अनटिल एक सिटीजन की एज 18 ईयर्स होगी तब तक उसको वोट करने का अधिकार नहीं मिलता है। तो जो 18 बिलो है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं मिला, राइट? तो दैट इज़ हाउ वी आर एक्सप्लेनिंग हियर कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हर किसी के लिए नहीं होता है। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कैन बी अ प्रेरोगेटिव और अ ड्यूटी, इट कैन बी अ रिस्ट्रेंट ऑफ सम पावर विच इज़ रिकोगनाइज एंड एस्टैब्लिश्ड बाय सोवरेन स्टेट और अ यूनियन ऑफ स्टेट सच एज इंडिया। जैसे इंडिया में क्या हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन सबने मिलकर क्या किया है, यहाँ पर फॉर्म किया है। फॉर एग्जाम्पल राइट टू प्रॉपर्टी विच इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी टेकन अवे फ्रॉम द सिटीजन्स बाय द अथॉरिटी ऑफ द लॉ। अब राइट टू प्रॉपर्टी जो है, जो कि आर्टिकल 300A में दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान के अंदर जो है दिया गया है, तो ये जो राइट है वो आपसे जो है वो गवर्नमेंट ले सकती है। दिस मीन्स दैट व्हेन द लेजिस्लेटर साइन एन एक्ट दैट टेक्स अवे द राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ अ सिटीजन इट विल बी हेल्ड लीगली वैलिड। यानी कि अगर जो हमारे लेजिस्लेचर ने, हमारे लॉ ने अगर हमसे वो अधिकार लिया है या छीना है किसी रीज़न से, तो वो वैलिड माना जाएगा। वैलिड माना जाएगा अगर उन्होंने हमारा हक ले लिया, राइट टू प्रॉपर्टी एज अ सिटीजन। नाउ दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल अर्लियर बिकॉज राइट टू प्रॉपर्टी वॉज अ फंडामेंटल राइट।
पहले ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी कि लॉ जो है वो आपकी प्रॉपर्टी आपसे किसी तरीके से ले ले। पहले क्यों नहीं थी ये चीज़ पॉसिबल? बिकॉज इट वॉज अ फंडामेंटल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट के अंदर आता था, लेकिन अभी राइट टू प्रॉपर्टी आपका कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300A के अंदर जो है वो आ गया है। तो नाउ देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपका जो राइट है ये वो कहीं ना कहीं जो है लेजिस्लेटर्स जो है उसको क्या कर सकते हैं, छीन सकते हैं इस अधिकार को। नाउ लीगल राइट्स आपके क्या है? लीगल राइट्स आर दोज राइट्स विच आर एक्सेप्टेड एंड एनफोर्स्ड बाई द गवर्नमेंट और द स्टेट। लीगल राइट्स वो है जो कि फोर्सफुली कानूनी तौर पर आपके ऊपर थोपा गया है कि ये आपके राइट है, आपको मानना ही है। एनी डिफाइलमेंट ऑफ एनी लीगल राइट्स इज पनिश्ड बाय लॉ। कोई भी कानून तोड़ोगे तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी। लॉ कोर्ट्स ऑफ द स्टेट एनफोर्स लीगल राइट्स। हमारे कंट्री के जो लॉ फोर्स है उन्होंने ये लीगल राइट्स को हम पर एनफोर्स किया है, बनाया है। दीज राइट्स कैन बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट इंडिविजुअल एंड ऑल्सो अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब ये जो अधिकार हमको मिले हैं ये किसके अगेंस्ट है? इंडिविजुअल्स के और गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी अगर आप चाहो तो इन लीगल राइट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। लीगल राइट्स आर इक्वली अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स। दे कैन गो टू द कोर्ट्स फॉर गेटिंग देयर लीगल राइट्स एनफोर्स्ड। तो लीगल राइट्स जो है इक्वली अवेलेबल है हर किसी के लिए। हर किसी को जो है वो ये लीगल राइट्स जो है क्या करना है, फॉलो करना ही है ना। लीगल राइट्स डिफर फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय एन ऑर्डिनरी लॉ बट दे कैन बी ऑल्टर्ड और टेकन अवे बाय द लेजिस्लेचर बाय चेंजिंग दैट लॉ। अब लीगल राइट्स जो है फंडामेंटल राइट्स से अलग है, दैट इज समथिंग विच वी ऑल नो। अब उसी के साथ साथ लीगल राइट्स जो है वो कहाँ कैसे प्रोटेक्ट किया गया है? बाय एन ऑर्डिनरी, एक कानून को बनाया गया है। अब इस कानून को ऑल्टर किया जा सकता है, उसके अंदर चेंजेस लाया जा सकता है। कैसे? बाय चेंजिंग दैट लॉ, उस कानून को पूरी तरीके से बदला जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे कैन नॉट बी टेकन अवे बाय एन ऑर्डिनरी लॉ एनएक्टेड बाय द लेजिस्लेचर। अब कानून एक ऑर्डिनरी लॉ पास करके फंडामेंटल राइट्स में किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं ला सकता, लेकिन लीगल राइट्स के अंदर जो है वो चेंजेस लेकर आया जा सकता है। इफ़ अ लीगल राइट ऑफ अ पर्सन इज वायोलेटेड ही और शी कैन मूव टू एन ऑर्डिनरी कोर्ट। But if a fundamental right is violated, the Constitution provides that the affected person may move to High Court or Supreme Court. अगर आपका legal right violate किया है किसी ने, challenge किया है, against गए हैं आपके legal right को तोड़ा जा रहा है, तो आप किसी भी ordinary court में जा सकते हो। ordinary law के through आप क्या कर सकते हो, अपने right के लिए लड़ सकते हो। लेकिन अगर किसी ने आपका fundamental right violate किया है तो कानूनी तौर पर आपको constitution ने हक दिया है कि आप supreme court में जा सकते हो या high court के पास जा सकते हो। It is to be noted that the right to property was a fundamental right before 1978 के पहले right to property fundamental right था। कॉन्स्टिट्यूशन के 44th अमेंडमेंट में चेंजेस, अमेंडमेंट एक्ट मानी कि उसके अंदर किसी तरीके का चेंज लाना, तो चेंजेस लाया 1978 में, टेकन अवे द राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 एज अ फंडामेंटल राइट एंड इज मेड अ लीगल राइट अंडर न्यू आर्टिकल 300A। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300A के अंदर अब राइट टू प्रॉपर्टी हमारी फंडामेंटल राइट नहीं रही है, अभी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हर किसी को नहीं मिलती है। गवर्नमेंट जब भी चाहे साइन करके प्रॉपर्टी अगर उसको ओन करना है तो वो कर सकती है। हालांकि हमारी गवर्नमेंट ऐसा करती नहीं है। इन केस अगर आपने लीगल तरीके से प्रॉपर्टी को लिया है या उसमें सही तरीके से आपने डिस्क्लोज नहीं किया है डिटेल्स, तो चांसेस है कि प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास जाए, वरना ज़बरदस्ती आकर आपका घर जो है वो नहीं ले लेगी। आपका घर आप ही का होगा। अगर आपके इधर पर कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो आपको प्रॉपर तरीके से वो रिलोकेट भी कर सकती है। तो पहले फंडामेंटल राइट था, अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वी हैव इज ह्यूमन एंड लीगल राइट्स। नाउ देर इज़ सम डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन राइट्स एंड लीगल राइट्स। दोनों के बीच में डिफरेंस है, ह्यूमन और लीगल के बीच में। लीगल राइट्स रिक्वायर फॉर द जस्टिफिकेशन एंड एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ लॉ। लीगल राइट्स को किस चीज़ की ज़रूरत है? जस्टिफिकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि एक लॉ जो है वो एग्जिस्ट करता है, कानून एग्जिस्ट करता है। नाउ लीगल राइट्स आर रफली व्हाट द लॉ सेज दे आर, एट लीस्ट इन सो फार एज द लॉ इज एनफोर्स्ड। नाउ लीगल राइट्स गेन देयर फोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रू लेजिस्लेशन और डिक्री बाय अ लीगली अथोराइज्ड अथॉरिटी। दोज हू सपोर्ट अडॉप्शन ऑफ लॉज एस्टैब्लिशिंग लीगल राइट्स ऑफन अपील टू अ नोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो बेसिकली ह्यूमन राइट्स, लीगल राइट्स दोनों के ही बीच में डिफरेंस है। लीगल राइट्स मोर एस्पेक्ट लॉ की तरफ से देखा जाता है, कानूनी तौर पर कुछ हमारे अधिकार है जो हमको दिए गए हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स जो है वो उसके कंप्लीटली अपोजिट होता है, दे आर नॉट एट ऑल सेम। सो दैट वॉज ऑल अबाउट आर ह्यूमन राइट्स। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखा, वी हैव लीगल राइट्स, वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, वी हैव फंडामेंटल राइट्स एज वेल, राइट? और हमने देखा
किस तरीके से हमारे लीगल राइट और ह्यूमन राइट्स के बीच में डिफरेंस होता है. सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव फॉर टुडे इज अबाउट स्केड्यूल कास्ट, विच इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. तो स्केड्यूल कास्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ स्केड्यूल कास्ट. आर्टिकल 341 एंड 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे संविधान में इनको डिफाइन किया गया है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी. SC/ST आर दी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स, डिसएडवांटेज्ड पीपल इन इंडिया. ओके, बैकवर्ड क्लास हैं हमारी कंट्री में, कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली सोशली शायद ही ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाए हैं, तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न. नाउ SCs बिलोंग टू रिलीजन्स हिंदुइज्म, नियो बुद्धिज़्म एंड सिखिज़्म. अब ये जो SC है, स्केड्यूल कास्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो ये आपको सबसे ज़्यादा जो मिलेंगे जिस रिलीजन में या कम्युनिटीज़ में मिलेंगे, दैट विल बी इन योर हिंदुइज़्म, नियो बुद्धिज़्म और सिखिज़्म में. Now there is no religious bar as far as ST is concerned, that is ST can belong to any religion. ST जो है, schedule tribe जो है, वो किसी भी religion को belong कर सकते हैं. उनके लिए कोई specifically बना ऐसा बोला नहीं गया है कि उनको हिंदुइज़्म में ही belong करना है. They can belong to any religion, schedule tribes. Schedule caste mostly belong करते हैं हिंदुइज़्म, नियो बुद्धिज़्म एंड सिखिज़्म को. Then it says, as per census 2011, SCs comprise about 16.6% of India's population. India का जो total population है उसमें से SC जो है वो 16.6% है. The highest percent of SC population, 31.9% of state's total number, is in Punjab. तो सबसे ज़्यादा ये schedule caste हमको जो देखने मिलते हैं वो हम देखने मिलेंगे पंजाब में. Highest number of SCs are in UP at 4.1 crore. तो UP में हमको देखने मिलता है इनका population 4.1 crore है. 2011 census is the last census conducted in India. यानी जनगणना जो होती है, जो हर 10 साल में हम population की study करते हैं, तो 2011 में last study की गई थी, जिसके तहत कहा गया है कि पंजाब में जो है कितना है, 31.9% है. पूरे state का population मिलाकर 31.9% पंजाब में है. और highest number of SCs are in UP, 4.1 करोड़ जो है वो इनका पॉपुलेशन है. द अदर स्टेट्स दैट वी कैन सी इज अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आंदमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड हैव नो पॉपुलेशन ऑफ SCs. तो इन राज्यों में जो है आपको SC स्केड्यूल कास्ट के पॉपुलेशन देखने नहीं मिलेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 366 सबसेक्शन 24 डिफाइन स्केड्यूल कास्ट मीन्स सच कास्ट रेसेस और ट्राइब्स और पार्ट्स ऑफ or groups within such caste, races or tribes as are deemed under article 341 to be scheduled caste for the purposes of this constitution. यानी इनका कहना है कि article 341 में जो कुछ भी बताया गया है वो लोगों को क्या किया जाता है, cover किया जाता है, उन्हें ही हम क्या बुलाते हैं, उन्हें हम बुलाते हैं scheduled caste. So that is the simplest definition that has been given to you according to constitution of India. Now there are certain constitutional and legal rights of scheduled caste have inhibited because they belong to socially backward they are. So they have been given certain rights as being scheduled caste. पहला constitutional right जो है वो उनके बारे में बात कर रहा है कि constitution of India provides various constitutional rights in the form of safeguards to scheduled caste. Safeguards are grouped into 6 categories as follows. अब कुछ safeguards इनको दिए गए हैं जो कि अलग अलग categories में divide किया है, जैसे कि we have social, we have economic, we have educational and cultural, we have political, we have service, we have other safeguards. So one by one we are gonna see each and every safeguard. Social safeguard, article 15 of the constitution of India provides for social equality and equal access to public places. Now social safeguard is talking about the society. तो society में उनको बोला जा रहा है social equality और equal access to public places दिया जाएगा. ये जहाँ जाना चाहते हैं socially, मतलब public places में जा सकते हैं, किसी तरीके की कोई रुकावट उनको नहीं है, कोई रोक नहीं सकता कि आप इस caste को belong करते हो तो आप मंदिर में नहीं जा सकते, आप park में नहीं जा सकते, आप यहाँ से पानी नहीं पी सकते, कोई भी restriction इनके ऊपर नहीं होगा. ये जो है ये article 15 of the constitution कहता है. अब आर्टिकल 15(1) जो है वो हमको बोलता है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस बोथ. तो इनके बेसिस पर, इन सारी चीज़ों के बेसिस पर आप किसी भी इंसान को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो. आर्टिकल 15(2) कहता है स्टेट्स दैट एवरी पर्सन शैल हैव इक्वल एक्सेस टू पब्लिक पास. पब्लिक प्लेसेस पर इक्वली एक्सेस मिल सकता है, यानी जाने की परमिशन है, चाहे पार्क हो, चाहे म्यूजियम हो, चाहे कुआ हो, चाहे नहाने के लिए कोई घाट बनाया गया हो, चाहे मंदिर हो,
मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड्स, जहाँ पर स्टेट फंड का काम चल रहा है, जहाँ से फंड जो है राज्यों से मिल रहा है, तो आपको गवर्नमेंट खर्चा उठा रही है, तो आप कोई नहीं होते हो लोगों को कहीं पर भी आने जाने से रोकने वाले, और गवर्नमेंट खुद कोई नहीं होती है उनको रोकने वाली। नेक्स्ट, आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। जैसे मैंने आपको कहा, आर्टिकल 17 जो है हमारा किसके लिए है, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है। इट इज़ एन ऑफेंस एंड एनी वन डूइंग सो इज़ पनिशेबल बाय लॉ। अगर आप ये प्रैक्टिस आज भी जारी रखते हो, आज भी किसी को अनटचेबल बुलाते हो, आज भी उसको घृणा की नज़र से देखते हो और उसके साथ बदसलूकी करते हो, डिस्क्रिमिनेट करते हो, कानूनी तौर पर आपको जेल दिखाई जा सकती है और हैवी पेनल्टी भी देना पड़ेगा। नो, आर्टिकल 25(2)(b) प्रोवाइड्स फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और द थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ अ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदू इंक्लूडिंग SC/ST। द टर्म हिंदू इंक्लूड पर्सन्स प्रोफेसिंग सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट रिलीजन। ओके, यहाँ पर आर्टिकल 25(b) जो है वो हमको बोलता है सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म जो भी चेंजेस है, और थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ अ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लासेस। तो जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वो इन सब के लिए क्या है, ओपन है, यहाँ पर कोई भी आ सकता है पढ़ने के लिए। एंड सेक्शंस ऑफ हिंदूज इंक्लूडिंग SC/ST, तो SC/ST को भी यहाँ पढ़ना लिखना जो भी है, पढ़ना लिखना यानी कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में पढ़ना लिखना अलाउड है। नो, द टर्म हिंदू इंक्लूड पर्सन्स प्रोफेसिंग सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट रिलीजन। तो जब हम हिंदू टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, तो स्पेसिफिकली वहाँ पर सिख, जैन, बुद्धिस्ट रिलीजन को भी क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक सेफगार्ड्स। हमने देखा सोशल सेफगार्ड, अब इकोनॉमिक सेफगार्ड। आर्टिकल 23 प्रोवाइड्स फॉर एबॉलिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड बेगर फोर्स्ड लेबर यूजुअली विदाउट पेमेंट और बॉन्डेड लेबर। यहाँ पर बोला जा रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को क्या करना है, हमको रोकना है। ट्रैफिक इन, एक्चुअली इट इज ट्रैफिकिंग, ओके, देयर इज अ टाइपिंग एरर। ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड बेगर फोर्स्ड लेबर, यानी कि ज़बरदस्ती हाथ पैर तोड़कर, जो ट्रैफिक सिग्नल पिक्चर आपने देखी होगी उसके अंदर देखा है आपने किस तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, मार तोड़कर किसी का हाथ पैर काट देना और उनसे भीख मंगवाना, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। एंड अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर बेगर विच वॉज प्रैक्टिस बाय लैंड लॉर्ड्स हैड बिन डिक्लेयर्ड एज द मोस्ट पनिशेबल बाय लॉ। ओके, ये जो लैंड लॉर्ड्स होते थे ये क्या करते थे, यही काम करवाते थे लोगों से भीख मांगने का, तो वो अब ये क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है एंड इट इज़ ऑफ कोर्स पनिशेबल बाय लॉ। कानूनी तौर पर आपको उसके लिए सज़ा हो सकती है अगर आप फोर्सफुली किसी को काम करवाते हो, तो फोर्सफुली भीख मांगने का काम करवाते हो तो। ओके, although there is no specific mention about SC/ST in this article, but majority of the forced labor comes from SC/ST. यहाँ पर किसी भी तरीके से SC/ST के बारे में कुछ mention नहीं किया गया, लेकिन majority जो आते हैं वो SC/ST को ही belong करते हैं जो कि forced labor होते हैं। Therefore, this article has significance for SC. According to one estimate, 87% of bonded laborers belong to SC/ST. जो bonded laborers होते हैं, bonded जिसको हम बोलते हैं ना, ज़बरदस्ती उनसे काम करवा रहे हैं अपने अंडर की पूरी ज़िंदगी तुमको हमारे साथ ही, जो जिसको हम बोलते हैं बंधवा मजदूर। इसके ऊपर एक सीरियल भी आई थी टेलीविजन पर जो हमने देखा होगा, बंधवा मजदूर। बेसिकली हमने आपको आपकी पूरी लाइफ टाइम के लिए क्या कर दिया है, हमने आपको लोन दिया, अब आप पूरे लाइफ टाइम के लिए हमारे मजदूर बनकर, हमारे साथ में गुलाम बनकर जो है वो रहोगे। तो मोस्टली बॉन्डेड लेबर्स जो है वो SC/ST कैटेगरीज को ही बिलोंग करते हैं, क्योंकि सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, इसलिए लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं। आर्टिकल 24 स्टेट्स, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और एंगेज्ड इन एनी अदर हैज़ार्डस एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 24 हमको बोलता है कोई भी बच्चा जो 14 साल से नीचे है वो किसी भी तरीके की माइनिंग, फैक्ट्री, ऐसा कहीं पर भी काम नहीं कर सकता है, उसे काम करना अलाउ नहीं है। Although there is no specific mention about SC in this article, but majority of the child labor come from SC. हालांकि इसमें कहीं बोला नहीं गया है कि SC वालों के लिए ही बच्चे जो है वो 14 years below काम नहीं करने चाहिए, लेकिन कई बार देखा गया है कि जो 14 years below के बच्चे काम करते हुए हमको दिख जाते हैं चाय की दुकान पर, किसी होटल या रेस्टोरेंट में टेबल साफ करते हुए, तो ये बच्चे मोस्टली SC को ही बिलोंग करते हैं। स्पेसिफिकली SC के लिए लॉ है ऐसा नहीं है, लॉ हर किसी के लिए बना है, ये कानून हर किसी के लिए है, लेकिन सबसे ज़्यादा देखा गया है कि जो बच्चे काम करते हैं 14 years and below की एज में, तो वो SC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। Therefore, this article has significance of for SC. तो इसीलिए इस आर्टिकल का SC के लिए ज़्यादा महत्व है। Then we have
educational and cultural safeguards. Article 15(4) empowers the state to make any special provisions for the advancement of backward classes of citizens, including SCST. Okay. अब स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल फैसिलिटीज़ जो है वो बैकवर्ड क्लासेस को मिलनी चाहिए. गवर्नमेंट कैन रिजर्व सीट्स और प्रोवाइड फी कंसेशंस फॉर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजंस इन स्टेट, रन इंस्टीट्यूशंस और इंस्टीट्यूशंस रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट. गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है एस सी एस टी के बच्चे अगर एडमिशन लेते हैं या तो उनको फ्री में पढ़ाओ या तो फीस में उनको कंसेशन दे दो. आर्टिकल 15(5) वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई कॉन्स्टिट्यूशन 93rd अमेंडमेंट एक्ट. कितना है ये 93rd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है सो एज टू ब्रिंग प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशंस इनटू द एम्बिट ऑफ रिजर्वेशंस. तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो अनएडेड होते हैं, जो गवर्नमेंट फंडेड नहीं होते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको भी क्या किया गया है, उनको भी बोला गया कि तुम्हारे पास भी कुछ रिजर्वेशन सिस्टम रखो एस सी एस टी के बच्चों के लिए. देन वी हैव आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस directs the state to protect the educational interest of the weaker sections of the society, especially the scheduled castes and scheduled tribes. यहाँ पर constitution हमको बोलता है educational interest of the weaker sections of the society, SCST को जो belong करते हैं, तो article जो है हमारा 46 वो हमको बोल रहा है कि आपको इनके education के ऊपर भी ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है. promote education in those people, जितना हो सके उतना reservation दो, fee concession दो, लेकिन उनको पढ़ाओ लिखाओ. Article 335 allows relaxation in qualifying marks for admission in educational institutions or promotions for SC or ST. Article 335 ने क्या किया, इनको थोड़ा सा relaxation दे दिया इनके percentage के अंदर. Now since they do not have basic amenities or facilities as compared to other people, तो इसीलिए इनको क्या बोला गया है कि इनके जो percentage होंगे उसमें भी इनको relaxation दे दो. जहाँ एक general category को 60-70% लाना है, अगर कहीं पर एडमिशन लेना होगा तो इनके लिए हम उसको 45-50% रख देंगे, बिकॉज दे लैक बेसिक फैसिलिटीज. सो दैट इज़ द रीज़न कि इनको कई जगहों पर रिलैक्सेशन जो है वो मिला है परसेंटेजेस में, और उसी के साथ साथ जॉब के प्रमोशंस में भी इनको क्या है रिजर्वेशन मिलता है. सो दैट इज़ हाउ दिस सेफगार्ड ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर वर्क्स. Next we have is political safeguard. The Constitution of India provides reservation of seats for SCST to local bodies of the states or union territories, legislative assemblies of the state and Lok Sabha. तो Constitution जो है वो क्या करता है, reservation देता है किनको, SCST को. किन चीज़ों में, municipal corporation form करना हो, panchayats हो गई, state या union territory form कर रहे हो, LA जो कि हमारी legislative assembly है of the states, Lok Sabha, इन सभी के अंदर हमारे Constitution ने क्या किया है, reservation दिया है SCST के लिए. Now, Article 243D states that seats shall be reserved for SCST in the village panchayat, and out of such seats, 1/3 of the seat to be reserved for women belonging to SCST. Article 243D हमको क्या बोलता है कि आपको जो पंचायत होती है ना, विलेज पंचायत फॉर्म होती है, लोकल लेवल पे फॉर्म हुई है ना, विलेज के लेवल पे फॉर्म हुई है यहाँ पर गवर्नमेंट, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको एक तो सीट्स रिजर्व करना है SCST के लिए, जिसमें से 1/3 सीट जो होगी ना वो किसको रिजर्व होके जाएगी, वुमेंस को. कौन से वुमेंस को, जो SCST कैटेगरी को बिलोंग करती है. दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू रिजर्व सीट्स फॉर दी SCST कैटेगरी. अब 243T क्या बोलता है, सीट्स शैल बी रिजर्व फॉर SCST इन द म्यूनिसिपल काउंसिल और कॉरपोरेशन, एंड आउट ऑफ सच सीट्स 1/3 ऑफ द सीट्स टू बी रिजर्व फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू SCST. अब 243D ने क्या किया, विलेज पंचायत की बात करा. 243T जो है वो कहाँ की बात कर रहा है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, शहरों की बात कर रहा है, जहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और काउंसिल्स होते हैं, यहाँ पर भी तुमको क्या देना है, रिजर्वेशन देना है, और जिसमें से एक तिहाई हिस्सा जो है वो SCST वाली वुमेन्स जो है उनको जाएगा. दैट इज हाउ आर्टिकल 243T गिव्स रिजर्वेशन. नाउ अब आर्टिकल 243D and T, द ऑफिसेज ऑफ चेयरपर्सन इन द विलेज पंचायत एंड द म्यूनसिपैलिटीज शैल बी रिजर्व फॉर SCST. तो जो ऑफिसेज होंगे इनके लिए वो भी SC और ST के लिए क्या होने चाहिए, रिजर्व होने चाहिए. आर्टिकल 330 स्टेट्स दैट सीट्स शैल बी रिजर्व फॉर SCST इन दी लोकसभा. लोकसभा के अंदर भी आर्टिकल 330 ने क्या बोला है, सीट्स रिजर्व होनी चाहिए. आर्टिकल 332 बोलता है स्टेट असेंबली के अंदर भी SCST के लिए सीट्स रिजर्व होनी चाहिए. इन केस ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व इन एनी स्टेट यूनियन टेरिटरी फॉर SCST शैल बी इन प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ SCST इन द स्टेट और UT. यानी कि जो भी सीट्स आप रिजर्व करने वाले हो लोकसभा और स्टेट एंड असेंबली के लिए, तो वो जो सीट्स होगी इन प्रोपोर्शन, उनके पॉपुलेशन के हिसाब से जो उनका रेशियो होना चाहिए वो मैच होना चाहिए.
Next is service safeguards. States that Article 16(4) states that state may reserve post for members of backward caste which are not adequately represented in the services under the state, so as to uplift the weaker sections of the society. हम बात कर रहे हैं government job की, जहाँ पर हमको एक reservation जो है वो देना होता है किसको, SC/ST को. Article 16(4)A allows the state to implement reservation in the matter of promotion for SCs and STs. प्रमोशन के लिए भी हम बात कर रहे हैं कि SC/STs को प्रमोशन जो है वो भी मिलना चाहिए, वहाँ भी उनका रिजर्वेशन होना चाहिए. आर्टिकल 324 बोलता है स्टेट्स दैट वाइल टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द क्लेम्स ऑफ SC/ST इन मेकिंग अपॉइंटमेंट्स टू पब्लिक सर्विसेज ऑफ द सेंटर ऑफ स्टेट्स, कंसल्टेशन विद रिस्पेक्टिव पब्लिक सर्विस कमीशन शैल नॉट बी रिक्वायर्ड. यानी कि अगर आपको उनको जॉब देना है तो आपको UPSC MPSC क्लियर किए हुए ऑफिसर से परमिशन लेने की किसी तरीके से ज़रूरत नहीं है. आपने रिजर्वेशन किया है उनके लिए, उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया है, अगर वो थ्रू आउट पास कर जाते हैं, पहुँच जाते हैं उस पोजिशन पर, तो वेल एंड गुड, आपको उनको उनके रिस्पेक्टिव पोजिशन जो है वो दे देना है. Article 335 states that the claims of SC/ST shall be taken into consideration in making appointments to public services of center or state. Article 335 बोलता है अगर किसी ने अप्लाई किया है जॉब के लिए तो उनके एप्लीकेशन को कंसिडर करना चाहिए when it comes to public services जॉब के लिए. If it is talking about center or state, जो भी होगा आपको उनको क्या करना होगा, कंसिडर करना होगा. तो these were some of the service safeguards जो जॉब से रिलेटेड था. Next we have is other safeguards. Article 338A 339 establishes a national commission of SC and ST, and 339 allows the central government to direct states to implement and execute plans for the betterment of SC and STs. तो नेशनल कमीशन जो है वो SC/ST के लिए बनाई गई है, और इसी के साथ साथ डायरेक्ट स्टेट्स को बोला गया है इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना है प्लान्स किसके लिए, ताकि इनके अपलिफ्टमेंट के लिए हम और जितना ज़्यादा काम कर सकते हैं हमको वो काम करना है. आर्टिकल 340 अलाउज द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस एंड टेबल द रिपोर्ट इन द पार्लियामेंट. आर्टिकल 340 ये भी बोलता है कि जाओ जाकर देखो अभी भी कितने लोग ये जो सोशली बैकवर्ड है ना, इनके ऊपर थोड़ा रिसर्च करो, देखो अभी भी बेचारे अगर गरीब है, पीछे है, तो क्यों पीछे है, कैसे हम इनको अपलिफ्ट कर सकते हैं और कैसे सोसाइटी में इनको हम आगे बढ़ा सकते हैं. तो एक स्पेशल ऑफिसर जो है वो इनके लिए क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, ताकि जाकर उनकी कंडीशंस जो है वो सही से देख पाए, समझ पाए कि ये लोग लाइफ में कहाँ अभी भी लैक करते हैं, किन अम्यूनिटीज़ की ज़रूरत है, और किस तरीके से फैसिलिटीज़ देकर हम उनको अपलिफ्ट कर सकते हैं. तो दीज वे सम ऑफ द सेफगार्ड्स दैट वी हैव सीन. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव स्केड्यूल कास्ट के लिए कुछ लीगल राइट्स है जो हम देखेंगे. Scheduled caste has certain legal rights as stated in various act passed by Government of India. Government of India ने कई सारे act pass किए जिसके अंदर SC/STs के लिए जो rights बनाए हैं, scheduled caste के लिए basically उनके legal rights को हमको बताया है. पहला है Untouchability Offences Act 1955 जो है वो बनाया गया है. इस right को हम बोलते हैं protection of, इस राइट को जो हमने नाम दिया है वो है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976. नाम याद रखना, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, जिसको वापस से रीनेम किया गया है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976. सबको याद रखो, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपको. इट प्रोवाइड्स पेनल्टीज फॉर प्रिवेंटिंग अ पर्सन फ्रॉम एंटरिंग अ प्लेस ऑफ वर्शिप और फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम अ पब्लिक वेल. अब क्योंकि हमने ऑलरेडी बोला है कि पब्लिक प्लेसेस पर जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पानी पीना है, जहाँ मंदिर में जाना है, जिस कुएं का पानी पीना है पी सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता. तो अगर कोई अनटचेबिलिटी ऑफेंस करता है उनके साथ में, ऐसा बोलता है कि नहीं भाई तुम यहाँ नहीं आ सकते हो, तो उनको पेनल्टी जो है वो पे करनी पड़ेगी इस इंसान को रोकने के लिए. नेक्स्ट, पार्लियामेंट इनेक्टेड बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976. अबॉलिशन यानी कि उसको खारिज करके ख़त्म करना, किसको, बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर को. आइडेंटिफिकेशन लिबरेशन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर. आइडेंटिफाई करो कोई है अभी तक जो बंधुआ मजदूर बनकर जी रहा है, तो ऐसे इंसान की हमको मदद करना है, और इस कानून को, इस रीति रिवाज को, बॉन्डेड लेबर को कम्प्लीटली बंद करना है. नेक्स्ट, पार्लियामेंट हैज़ इंट्रोड्यूस द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट टू प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन सर्टन ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेसेस. पार्लियामेंट ने क्या किया है, चाइल्ड लेबर एक्ट को रेगुलेट किया है. प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के तहत कोई भी बच्चा जो है वो काम नहीं करेगा 14 ईयर्स या उसके बिलो किसी भी तरीके के ऑक्यूपेशन या प्रोसेसेस में, जो स्पेसिफिकली डिफाइन किए गए हैं, जैसे फैक्ट्रीज में, माइनिंग में, ये बच्चे जो है वो काम नहीं करेंगे. नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनेक्टेड द स्केड्यूल्ड कास्ट एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट
1989 टू प्रिवेंट एट्रोसिटीज अगेंस्ट SC ST, यानी इनको किसी भी तरीके से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, इनके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया जा सकता, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट बनाया 1989. दिस एक्ट ऑल्सो एम्स एट सोशल इंक्लूजन ऑफ SC ST इन टू द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी, यानी कि इंक्लूजन, इनको भी इंक्लूड करो, इनको भी अपने ज़िंदगी का नॉर्मल लाइफ का हिस्सा बना दो, इनके साथ बुरा बर्ताव मत करो. पेनल्टीज इम्पोज ऑन दी ऑफेंडर्स विच शैल नॉट बी लेस देन 6 months बट विच में एक्सटेंड टू 5 years एंड विद अ फाइन, यानी कि अगर आपने किसी तरीके से इनको ऑफेंड कर दिया, इनके साथ कुछ बुरा कर दिया, तो आपको दोनों ही चीज़ें देखने मिलेगी. दिवाली ऑफर मिलेगा आपको जहाँ पर आपको 6 month तक और उसी के साथ साथ 5 years का जेल और फाइन दोनों हो सकता है. तो ये आपके ऊपर है, आपको कौन सा ऑफर लेना है. अगर आप इनके साथ में बुरा बर्ताव करते हो, ऑफेंडेड हो जाते हैं आपकी वजह से, 6 month से 5 साल तक की जेल हो सकती है और साथ ही साथ आपको फाइन भी पे करना पड़ेगा. तो ऐसे ऑफर को आप बिल्कुल भी नहीं अपनाएंगे, ठुकराना है. उसके लिए आपको इनको इंक्लूसिविटी वाला प्रिंसिपल रखना है, जहाँ पर आप इनको एक साथ मिलकर इनके साथ रह रहे हो. ऐसा नहीं बोला गया कि इनके घर जाकर रहो, लेकिन इनको आप ऑफेंड मत करो, आप एट्रोसिटीज मत दिखाओ, प्रताड़ित मत करो, परेशान मत करो. You live your life and let them live their life too. Okay. Now the act contains provisions for relief and compensation for the victims of atrocities. अब ये जो act है ये क्या करता है, ये compensation और relief किसको देता है, ये amount जो है जिसको आपने परेशान किया है उनको जाता है. An act, employment of manual scavengers and construction of dry latrines prohibition act 1993 was passed to provide for the prohibition of employment of manual scavengers as well as construction or continuance of dry latrines and for the regulation of construction and maintenance of water sealed latrines and for matters connected therewith or incidental to thereof thereto. Okay. बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, आप समझते क्या है. ये एक एक्ट बनाया गया है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेटरिंग्स प्रोहिबिशन एक्ट. प्रोहिबिशन, इस कानून के लिए एक प्रोहिबिशन एक्ट जो है बनाया गया है 1993 में, जो कि पास किया गया था किसके लिए, ताकि इस चीज़ को कम्प्लीटली हम प्रोहिबिट कर दे, बंद कर दे. किसको, वो काम जिसके लिए हम लोगों को बुलाते थे, किसके लिए, लैट्रीन्स जो है उसको साफ करवाने के लिए, ड्राई लैट्रीन्स को साफ करवाने के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटिन्यूएंस ऑफ ड्राई लैट्रीन्स एंड रेगुलेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सील लैट्रीन्स. तो ये जो भी काम हम करवाते थे मैनुअल स्कैवेंजर्स से, बेसिकली इनको उतर कर उसके अंदर साफ सफाई कर कर काम करना पड़ता था, तो इसके लिए प्रोहिबिशन एक्ट जो है वो बनाया गया है. ओके. एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल देयर टू, तो कई सारे तरीके हैं जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ चीज़ों को रोक सकते हैं. इनकी भी लाइफ है, ये भी जीते हैं, हमारी तरह नॉर्मल ह्यूमन बींग ही है. तो इंक्लूसिविटी के लिए कई सारे एक्ट लेकर आए हैं हम, जिससे कि हम इनको किसी भी तरीके से परेशान ना करें और सोशली बैकवर्ड है तो उनको अपलिफ्ट करने का काम करें. तो ये जो थे हमारे कुछ लीगल राइट्स थे. अब इनके जो राइट्स हैं इनको क्या किया जाता है, वायलेट किया जाता है. अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए आगे के सारे FC के अपडेट्स के लिए. थैंक यू वेरी मच.